हुक्मरानों को जगाने का पैगाम है मेरा, अपना फर्ज निभा रहा हूँ मुल्क के लिए। बड़े क्लियरली हमने नेशनल टीवी के ऊपर ये बात का जिक्र किया था, असेंबलियों में ये बात उठाई, हुक्मरानों को जगाने की कोशिश की, लेकिन कोई जू नहीं रेंगी। पाकिस्तान की जरई मईशत के ऊपर एक बहुत बड़ा कहर आया हुआ है और एक कहात साली का खदशा है। टड्डी दल का हमला शुरू हुआ था। हुक्मरानों ने कुछ नहीं किया आज तक। इनके पास जहाज, छोटे जहाज जो हर एग्रीकल्चरिस्ट के पास बाहर होता है दुनिया में, छोटे जहाजों के जरिए स्प्रे किया जाता है, वो नहीं किया। बलूचिस्तान और सिंध में हमला फुल स्केल के ऊपर ऑन है। जनूबी पंजाब, इसको सूबा बनाना था, उसकी तहसीलें हैं, हमारी तहसीलों के अंदर ये जनूबी पंजाब में अटैक शुरू हो गया हुआ है। अगर इस वक्त अगर आप 80% जो इस वक्त मुल्क के अंदर जी टड्डी दल है उसको मार भी देंगे ना, तो बाकी 20% पूरे पाकिस्तान की जरात को तबाही की किनारे पे पहुंचाने के लिए काफी है। कैद साली हो सकती है, चारे क्रॉप्स, आम जो फसलात है, वो जो चारा उगता है, वो बागात, सबका बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये जो -1.7% के ऊपर आपकी मईशत नीचे जा रही है खान साहब की वजह से, और फिर जो कोरोना का उल्टा ऊपर सोने पे सुहागा आ गया, उसके ऊपर आप ये भी क्रिएट करें एक और मुसीबत। ये कोरोना से बड़ी मुसीबत है, इसको समझो, जागो। अगर नहीं जागोगे तबाही है।